हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज आप लोगों से बड़े दिनों के बाद मुलाकात हुई है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मछली की रेसिपी लेके आया हूं। छोटी मछलियां जो होती हैं उनको गांव में सूखी इस तरीके से बनाते हैं और इसे खाने में बहुत ही मजे का टेस्ट आता है। तो आज हम ये छोटी मछलियाँ बनाना सीखेंगे। यहाँ पे 1.5 किलो छोटी मछली मैंने ली थी, तो आप छोटी मछली ले लीजिए। यहाँ पे दो तरीके से आप साफ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों तरीका बताऊंगा कि आप छोटी मछली किस तरीके से साफ कर सकते हैं। पहला तरीका है, आप राखी ले लीजिए, ऐश ले लीजिए, हाथ में थोड़ा सा लगाइए और इस तरीके से हेड रिमूव करिए और पेट वाला हिस्सा दबा के इसका कचरा निकालिए, फिर तेल आप इसको तोड़ के अलग कर दीजिए। राखी लगाने से ये होता है कि आपका हाथ फिसलता नहीं है। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, आप उस पर जरूर क्लिक करें। साथ में आप बाजू में घंटे के बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले। साथ में आप लाइक किया करें, कमेंट करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। दूसरा तरीका है, आप पानी लीजिए, पानी में हाथ डुबो लीजिए, उंगलियां भिगा लीजिए और सेम इसी तरीके से आप प्रोसेस रिपीट कीजिए जैसा आप राखी लेके कर रहे थे। पानी लगाने से भी आपकी उंगलियां फिसलेंगी नहीं। मछली अच्छी तरीके से क्लीन कर लेने के बाद आप कोई बड़ा सा इस तरीके से पॉट ले लीजिए और इस हिसाब से आपको थोड़ा सा पानी इसमें डालना है और इस तरीके से आपको एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हुए, हाथ चलाते हुए आपको मछली को घुमाते रहना है। कम से कम एक एक मरतो आप 3-4 मिनट घुमाएं। फिर थोड़ा सा पानी डालिए, पानी डाल के आप मछली निकाल लीजिए किसी दूसरे पॉट में, फिर पानी आप बदल लीजिए। इस तरीके से आपको यही सेम प्रोसेस रिपीट करना है 3-4 मरतबा। फिर से मछली डाल लीजिए और इस तरीके से घुमाइए एक ही डायरेक्शन में। तीन चार मिनट तक आपको घुमाना है। एक दो मिनट एक डायरेक्शन में घुमाएं, फिर एक दो मिनट आप डायरेक्शन बदल के दूसरी डायरेक्शन में घुमाएं। एक मतलब क्लॉक वाइज, एक मतलब एंटी क्लॉक वाइज। आप फिर से इसमें पानी डाल लीजिए साफ और फिर से मछली को निकाल लीजिए। ये प्रोसेस आपको 4-5 मिनट में रिपीट करना है।
4-5 मिनट के बाद आप इसमें आधा कप आटा डालिए। आटा डाल के आपको इस तरीके से प्रोसेस रिपीट करना है। आटा डालने के बाद भी आपको कम से कम 4-5 मरतबा पानी बदलते रहना है। आटा एक ही मरतबा डालना है आपको, बार बार नहीं डालना। देखिए धीरे धीरे पानी आपको जो पॉट में दिख रहा है धीरे धीरे क्लीन दिख रहा है। तो प्रोसेस इस तरह से आप 4-5 मिनट रिपीट कर लीजिए। यहाँ पे कुछ मसाले आपको पीसने हैं तो ग्राइंड कर लीजिए मसाले। एक प्याज है कटी हुई, 10-15 हरी मिर्च है, 10-15 सूखी लाल मिर्च है, 2 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून जीरा है और 2 टेबल स्पून राई है पीली वाली। इनको आपको पानी के साथ मिलाकर पीस लें और पेस्ट बना लें। अब हम यहाँ पे मछली को कढ़ाई में रख लेंगे। इसके अलावा हम 3 टेबल स्पून इसमें आप तो लहसुन का पेस्ट मिलाना है और कुछ हमने आलू इस तरीके से कटर लिए थे तो स्वाद अनुसार नमक मिला लीजिए। आलूओं का टेस्ट बहुत ही मजे का आता है इस मछली में। मसाला आपने जो ग्राइंड किया था उसको डाल लीजिए, लहसुन डाल लीजिए, कटे हुए आलू डाल लीजिए। थोड़ा सा तेल डालिए, सरसों का आपको तेल इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा पानी डालिए और हाथों से अच्छी तरीके से आप मिक्स करिए इसको, अच्छी तरीके से मसाला मिला लें सब कुछ। इसके अलावा आपको 2 मसाले और मिलाने हैं। दो टीस्पून आपको हल्दी डालनी है, 2 टेबल स्पून आपको डालना है धनिया पाउडर। सारे मसाले आप अच्छी तरीके से मिला लीजिए हाथों से। यहाँ पे मैंने 2 खटाई डाली थी, आप इसकी जगह पे आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी आपको डालना है इसमें, पानी बहुत ज्यादा नहीं रहता है, पानी इतना रहे कि बस हल्का सा नजर आए पानी। पानी में मछली डूबी नहीं रहनी चाहिए। और फिर इसमें आपको थोड़ा सा और सरसों का तेल डालना है ऊपर से। अब हम कढ़ाई को चढ़ाएंगे चूल्हे पे। तो चूल्हा जला लीजिए, कढ़ाई को चढ़ा दीजिए, फिर ढक्कन से आप इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद इसको पकने के लिए आपको छोड़ देना है जब तक कि आपके आलू गल नहीं जाएं। तो मीडियम फ्लेम पे रखें, कम से कम आपको इसमें 25-30 मिनट लगेगा। धीरे धीरे पानी सूखेगा। देखिए पानी अब थोड़ा सा कम हो गया। आपको चम्मच से चलाना नहीं है इस मछली को, एक मरतबा भी आपको चलाना नहीं है। पानी देखिए अब धीरे धीरे ड्राई हो रहा है। अब पानी काफी सूख गया इसमें, आपको नजर नहीं आ रहा है। अब हम एक काम करेंगे, इसको हाई फ्लेम पे पकने देंगे। तो आप गैस की फ्लेम को हाई कर ले, नीचे एक तवा रख लीजिए। इस मछली का स्वाद
जो नीचे मसाला लग जाता है कढ़ाई में, इसका बहुत ही जबरदस्त आता है खाने में। तो आप इसको 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे रहने दें, और इस तरीके से आपकी मछली तैयार हो गई है। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो आप मेरे चैनल स्टूडेंट्स कुकिंग को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। नीचे रेड कलर का बटन होगा, आप उसे दबा दें। साथ में लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।